नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग के आरपीजी कॉलेज मथुरा। इसके पहले मैं यूनिट वन का जो है एमसीक्यू बनाया था, आज मैं यूनिट दो का एमसीक्यू बनाया हूँ। यूनिट दो है इंडोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। इसमें पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर जी एस गोरिये, ऑप्शन बी है प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास, सी है एस सी दुबे, डी है ए आर देसाई। आंसर है प्रोफेसर जी एस गोरिये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य माना है? ऑप्शन ए है जी एस गोरिये, ऑप्शन बी है ड्यूमो, ऑप्शन सी है दुबे, ऑप्शन डी है देसाई। आंसर हुआ जी एस गोरिये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? ऑप्शन ए मुखर्जी, ऑप्शन बी है दुबे, ऑप्शन सी है ड्यूमा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है प्रोफेसर जी एस गोरिये, ऑप्शन बी है एस सी दुबे, ऑप्शन सी है बी एन सरकार, ऑप्शन डी है केतकर। आंसर हुआ प्रोफेसर जी एस गोरिये। अगला क्वेश्चन है, कुंबा पटई गांव का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए कैथलिक गब, ऑप्शन बी है एस सी दुबे, ऑप्शन सी है बेत्तई, ऑप्शन डी है श्रीनिवास। आंसर हुआ कैथलिन गब। अगला क्वेश्चन है, समीर पेट गांव का अध्ययन किया है? ऑप्शन है एस सी दुबे, ऑप्शन बी है श्रीनिवास, ऑप्शन सी है बेत्तई, ऑप्शन डी है कैथलिन गब। आंसर हुआ एस सी दुबे। परिप्रेक्ष्य का अर्थ है, ऑप्शन ए देखने का नज़रिया, ऑप्शन बी है देखने का तरीका, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हुआ इनमें से, आंसर हुआ सी ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है जी एस गोरिये, ऑप्शन सी है कैथरीन गब, ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। आंसर हुआ ए एम एन श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया? ऑप्शन ए है जी एस गोरिये, ऑप्शन बी है श्रीनिवास, ऑप्शन सी है ड्यूमा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हुआ ए जी एस गोरिये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है, उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक उपागम, ऑप्शन ए भारत विद्या शास्त्री उपागम, ऑप्शन सी है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक उपागम। आंसर हुआ भारत विद्या शास्त्री उपागम। अगला क्वेश्चन, भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर निम्नलिखित में से किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए है कैथरीन गब, ऑप्शन बी है बी आर चौहान, ऑप्शन सी है प्रमिला कपूर, ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। आंसर हुआ इरावती कर्वे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर भारतीय परंपरा का अध्ययन पर बल दिया है? ऑप्शन ए है डी पी मुखर्जी, ऑप्शन बी है रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए डी पी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, आज घूरिए ही एक मात्र समाजशास्त्री है, अन्य भारत में समाजशास्त्री है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है डी पी मुखर्जी, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। आंसर हुआ डी पी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है,
इंडियन साधुज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जी एस भूरिये, ऑप्शन बी है के डेविस, ऑप्शन सी है डी पी मुखर्जी, ऑप्शन डी है इरावती कर्व। आंसर हुआ जी एस भूरिये। अगला क्वेश्चन है, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है जी एस भूरिये, ऑप्शन बी है लुई डूमा, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हुआ सी एम एन श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है बी एन सरकार, ऑप्शन सी है केतकर, ऑप्शन डी आंद्रे बेत्तई। आंसर हुआ ए एम एन श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, होमो हायरार्कस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है लुई डूमा, ऑप्शन बी है ए आर देसाई, ऑप्शन सी है के डेवी, ऑप्शन डी है मैकावर। आंसर ए है लुई डूमा। अगला क्वेश्चन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है क्लूकहॉर्न, ऑप्शन बी सी है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन। आंसर हुआ सी रॉबर्ट मर्टन। अगला क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण की विवेचना जिस उपागम के आधार पर की है वह है? ऑप्शन ए प्रकारात्मक उपागम, ऑप्शन बी भारतीय विद्याशास्त्री उपागम, ऑप्शन सी ऐतिहासिक उपागम, ऑप्शन डी संरचनात्मक उपागम। आंसर हुआ डी संरचनात्मक उपागम। अगला क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी द्वारा मूल्यों की संरचना की विवेचना अध्ययन के लिए उपागम पर आधारित है? ऑप्शन ए है भारतीय विद्याशास्त्री उपागम, ऑप्शन बी है प्रकारात्मक उपागम, ऑप्शन सी है संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक उपागम। आंसर ए हुआ भारतीय विद्याशास्त्री उपागम। अगला क्वेश्चन, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मुखर्जी, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है मार्क्स। आंसर हुआ ए दुर्खिंग। अगला क्वेश्चन, सोशल साइंसेज इन चेंजिंग सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डी पी मुखर्जी, ऑप्शन बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है एस सी दुबे, ऑप्शन डी है डेविड हर्डीमैन। ऑप्शन सी है एस सी दुबे। होमो इक्वेलिस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लुई डूमा, ऑप्शन बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है आंद्रे बेत्तई, ऑप्शन डी है जी एस घुरिये। आंसर हुआ ए लुई डूमा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की विशेषता है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक प्रकृति, ऑप्शन बी समन्वयात्मक प्रकृति, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी है सभी। आंसर हुआ सभी। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की मान्यताएं हैं? ऑप्शन ए धर्मग्रंथ, ऑप्शन बी है काव्य, ऑप्शन सी है वेद, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। आंसर हुआ उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य की सीमा है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक अध्ययन, ऑप्शन बी एक पक्षी अध्ययन, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हुआ ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन, डोमिनेंट कास्ट एंड अदर रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी दुबे, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी मैकावर। आंसर हुआ ए श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, जनजातीकरण की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन ए है एम एस कालिया, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी आंद्रे बेत्तई, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आंसर हुआ एम एस कालिया। अगला क्वेश्चन, सामाजिक मानव शास्त्री परिप्रेक्ष्य के समर्थक हैं? ऑप्शन ए टी एन मदान, ऑप्शन बी ए के एस माथुर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हुआ ए एंड बी दोनों। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन ए है ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है जी एस घोरिये। आंसर हुआ ए
MNS श्रीनिवास। धन्यवाद।